हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेडिशनल केले के कोफ्ते को एक नया ट्विस्ट देके बनाएंगे, जिसको हम एज मेन कोर्स या एज अ स्नैक आइटम सर्व कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। दिस चैनल इज अबाउट क्रिएशंस एंड क्रिएटिविटी। पहले हम केले को उबाल लेंगे। आप चाहें तो कुकर में 2 सीटी लगा सकते हैं, या अगर ओपन पतीले में उबालना है तो 10 से 15 मिनट तक आपको ढक के इसे उबालना होगा। फिर हमें इसे छील के मैश कर लेना है। हमें केले के साथ 2 बॉइल्ड आलू भी मैश करने हैं, और उबले हुए केले को और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें बेसन मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, प्याज मिलाएंगे, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पत्ता मिला करके हमें अच्छे से पूरे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये थोड़ा गीला लगे तो आप इसमें बेसन थोड़ा और मिला सकते हैं। अब हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। तो फिलिंग के लिए हमने छेना लिया है, उसमें हम नमक और काली मिर्च मिला के एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। अब हम जो वो केले का हमने मिक्सचर बनाया था, उसका हम एक छोटा सा पेड़ा बना लेंगे, और इसके अंदर थोड़ा होल बना लेंगे कटोरे जैसा, और उसमें हमने जो पनीर छेने की फिलिंग बनाई थी उसको भर के अच्छे से सील कर लेंगे। पैन में तेल गरम कर लेंगे। तेल थोड़ा ज्यादा लेना है क्योंकि हमने कोफ्तों को फ्राई करना है। एक एक करके हमने कोफ्ते को तेल में डाल लेना है। ध्यान रहे कि तेल गरम होना चाहिए, और ड्यूरिंग फ्राइंग तेल लो टू मीडियम हीट पे होना है, और इकट्ठा बहुत सारा ना डालें, नहीं तो ओवरक्राउडिंग होने से ये टूट सकते हैं, कोफ्ते टूट सकते हैं। हमें कोफ्तों को तब तक तलना है जब तक दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हमें इन्हें निकाल के गर्मा गर्म धनिया की चटनी या लाल चटनी, लाल मिर्च की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करना है। देखिए, लग रहा है ना बहुत टेस्टी। अगर आपको ये नया ट्विस्ट केले के कोफ्ते में पसंद आया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो कढ़ाई में हम तेल ले लेते हैं, उसमें हम जीरा डाल लेंगे, तेज पत्ता डाल लेंगे, साबुत लाल मिर्च डाल लेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हरी मिर्च भी डाल लेंगे। इसमें हम 3 चम्मच मसाला मिक्स डालेंगे। ये मसाला मिक्स मैंने पहले वीडियो में बनाया हुआ है, वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करिए।
अब हम इसमें टमेटो प्यूरी मिला लेंगे और इसको धीमे आंच पे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। अगर मसाला तले पे लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालेंगे। कश्मीरी मिर्च से एक बहुत रिच कलर आ जाता है आपकी ग्रेवी को, तो हम उसे अच्छे से मिला के धीरे धीरे पानी डाल करके इसको पका लेंगे। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो कोफ्ता डाल देंगे और ध्यान रहे कोफ्ता डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 3 से 4 मिनट के अंदर ये कोफ्ता पक के तैयार हो जाएगा। इसमें हम धनिया पत्ते से गार्निश कर लेंगे और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इसको स्टीम्ड राइस या रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।